अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं सीपीयू के बारे में, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। तो लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हुए हैं। उन क्वेश्चन के आंसर जो हैं आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर देने हैं। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टुडे गोल्स। सीपीयू जो है इसके अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या होता है। उसके बाद ड्यूल कोर प्रोसेसर क्या होता है, क्वाड कोर प्रोसेसर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद हम ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के बारे में जानेंगे, अरिथमेटिक यूनिट क्या होता है, लॉजिक यूनिट क्या होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो इससे आगे हम शुरू करते हैं। बेसिकली सीपीयू है क्या चीज़। सीपीयू की जब भी हम बात करेंगे तो ब्रीफली अगर हम इसकी डेफिनेशन करने की कोशिश करें तो हम इसे कह सकते हैं कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जस्ट लाइक वी कैन से दैट ह्यूमन ब्रेन है, सेम ऐसे ही कंप्यूटर का ब्रेन है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सीपीयू जो है वो ब्रेन है हमारे कंप्यूटर का। तो ये शेप है, ये आपको देख के बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि इन द कंप्यूटर, इन द मोबाइल फ़ोन एंड एनी अदर प्रोडक्ट जो है उसके अंदर सीपीयू जो है किस शेप के अंदर या किस तरह से दिखाई देता है, आपको देख के पता चल सके। तो ये जो है सीपीयू की, सीपीयू मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है कि व्हाई इज़ आर सीपीयू इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन है जिसका आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर जो है ज़रूर देना है सर्च करने के बाद। उसके बाद व्हाट इज़ सीपीयू के बारे में हम बात करेंगे। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर का। ये जो सीपीयू है इसे हम प्रोसेसर के नेम से भी जानते हैं। CPU is also called processor, इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। कंप्यूटर जो है CPU के बगैर या प्रोसेसर के बगैर किसी भी किस्म का जो टास्क है, किसी भी किस्म का जो वर्क है वो नहीं कर सकता। CPU लोकेट कहाँ पे कर रहा होता है, मदरबोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड के ऊपर माउंटेड होता है, लोकेट कर रहा होता है। बेसिकली ये कैरी आउट करता है मोस्ट ऑफ द वर्क, जो कंप्यूटर का मोस्टली वर्क जो होता है वो CPU प्रोसेस कर रहा होता है। इससे आगे अगर हम देखें तो सीपीयू परफॉर्म करता है सारे के सारे ऑपरेशंस जो डाटे के ऊपर होते हैं, जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करता है उसके ऊपर प्रोसेस करता है या ऑपरेशन जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड टेल्स अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर व्हाट टू डू। बेसिकली प्रोसेसर का काम ये है कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना और दूसरे कंपोनेंट्स जो हैं कंप्यूटर के, जो दूसरे पार्ट्स हैं कंप्यूटर को, उनको बताना कि बेसिकली क्या टास्क करना है। मोस्ट ऑफ द वर्क कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेशंस एंड डाटा ट्रांसफ़र। बेसिकली ये प्रोसेसर जो है इसका मोस्टली वर्क किस टाइप का है, बेसिकली ये जो है कैलकुलेशन का ज़्यादा काम करता है और डाटा के ट्रांसमिशन का जो है, ट्रांसफर मिशन जो है उसका काम करता है। उसके बाद अगर हम मल्टी कोर प्रोसेसर टाइप की बात करें या देखें कि मल्टी कोर प्रोसेसर किस तरह से होते हैं, तो पहले नंबर पे आता है इसके अंदर ड्यूल कोर प्रोसेसर। जब हम ड्यूल कोर प्रोसेसर की डेफिनेशन की बात करेंगे या ड्यूल कोर प्रोसेसर समझेंगे क्या होता है, अ ड्यूल कोर प्रोसेसर चिप कंटेन्स टू सेपरेट प्रोसेसर। ड्यूल कोर प्रोसेसर बेसिकली क्या है, इसके अंदर 2 सेपरेट प्रोसेसर लगे होते हैं। जिस चिप के अंदर 2 प्रोसेसर सेपरेट लगे होंगे उसे हम ड्यूल कोर प्रोसेसर के नेम से जान देंगे। उसके बाद है क्वाड कोर प्रोसेसर। क्वाड कोर प्रोसेसर चिप कंटेन्स 4 सेपरेट प्रोसेसर। इसके अंदर 4 सेपरेट प्रोसेसर जो हैं चिप के ऊपर लगे होंगे। बेसिकली सीपीयू कंसिस्ट कर रहा होता है 2 मेन यूनिट्स के ऊपर। ये मेन यूनिट्स कौन कौन से हैं, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है। एक अरिथमेटिक यूनिट है, दूसरा लॉजिक यूनिट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना 100% ज़रूरी है। तो हम ALU क्या है, बेसिकली ये पार्ट है हमारे CPU का। जब भी आप इसको समझेंगे तो यूँ समझेंगे कि ये प्रोसेसर का या CPU का ALU जो है वो पार्ट है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस इन दिस पार्ट। जो असल एग्जीक्यूशन का काम है इंस्ट्रक्शंस का, वो ALU के अंदर ही होता है।
जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होते हैं ए एल यू के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ टू फॉलोइंग यूनिट्स, बेसिकली ए एल यू दो फॉलोइंग यूनिट्स के अंदर कंसिस्ट कर रहा होता है। वो यूनिट कौन से हैं इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं डिटेल से। पहले ए एल यू के अंदर है ए एल यू अरिथमेटिक यूनिट। पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की, तो इसके अंदर द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशन डिविजन एंड लॉजिक ऑपरेशन सच एज आर एंड नैंड। इसके अंदर बेसिकली ये जो है इसके अंदर हमने क्या करना है, ए एल यू के अंदर परफॉर्म बेसिकली चार चीज़ें होती हैं। पहले नंबर पे प्लस माइनस, उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये चार जो ऑपरेशन हैं इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर आर और एंड जो है ये इसके अंदर कंसीडर हम नहीं करेंगे यहाँ पे, ये जो है दूसरा पार्ट जो होगा उसके अंदर करेंगे। बेसिकली ये जो है ये है ए यू अरिथमेटिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर जस्ट ये वाले जो चार ऑपरेशन है यही परफॉर्म होंगे, जिसके अंदर प्लस आता है माइनस आता है उसके बाद मल्टीप्लाई आता है उसके बाद डिवीजन आता है। तो रिमेंबर रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, ए यू के अंदर अरिथमेटिक यूनिट के अंदर क्या होता है, चार ऑपरेशन जस्ट जो हैं परफॉर्म होते हैं, वो कौन से हैं, प्लस वाले माइनस वाले मल्टीप्लाई वाले और डिवीजन वाले। आर और एंड वाले इसके अंदर जो है परफॉर्म नहीं होंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लॉजिक यूनिट की, तो लॉजिक यूनिट की जब बात करेंगे तो ये परफॉर्म करेगा ऑपरेशंस कंपेयरिंग टू वैल्यूज, जैसे हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं आपस में, जस्ट लाइक हम कह सकते हैं ग्रेटर देन, हम करें ए ग्रेटर देन बी तो दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया जा रहा है, 10 ग्रेटर देन 20 तो या 20 ग्रेटर देन 10, इस तरह से हम वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया जा रहा है। इसके अंदर ग्रेटर देन का, लेस देन का, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का जो ऑपरेशंस हैं बेसिकली लॉजिक यूनिट के अंदर जो है परफॉर्म होते हैं। जब हम बात करेंगे अरिथमेटिक यूनिट की तो उसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन का, इसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू के ऑपरेशन जो हैं इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। जब हम कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर का और ये ऐसे ही काम करता है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली सुपरविजन के तौर पे कंप्यूटर के अंदर काम करता है। ये बेसिकली इटसेल्फ जो है एग्जीक्यूशन नहीं करता इंस्ट्रक्शंस की, बेसिकली इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है कंट्रोल यूनिट और उसको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम ये नहीं करता। इट परफॉर्म्स टास्क बाय इशूइंग नेसेसरी कमांड्स टू डिफरेंट कंपोनेंट्स टू द कंप्यूटर। इसका बेसिकली कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि इसने इशू करनी होती हैं जो ज़रूरी कमांड्स होती हैं दूसरे कंपोनेंट जो हैं कंप्यूटर के उनके लिए। बेसिकली इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लॉक पल्सेस, इसे हम क्लॉक पल्सेस के नेम से भी जानते हैं कंट्रोल यूनिट को। सेकेंड जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इसके अंदर वही है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीपीयू आर देयर। आपने सर्च करना है पहले, उसके बाद कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जो आंसर है वो ज़रूर देना है। तो इसके अंदर ये बताना है कि कितनी टाइप के सीपीयू हैं। उसके बाद अगर लास्ट में हम बात करें तो ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल यूनिट, बेसिकली तीन तरह के जो ऑपरेशंस हैं इसके अंदर होते हैं। पहले नंबर पे ये क्या करता है, इट फिचेस द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी। इसका काम ये है कि मेन मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शंस हैं हदायत हैं उनको खींच के लाना, उसको फिच करना वहाँ से। सेकंड नंबर पे क्या करता है, इट इंटरप्ट्स द इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन करता है, इंटरप्ट करता है, तशरीह कर देता है उसकी कि कौन से जो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मज़ीद ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, ये कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन होनी होती हैं उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट ही कर रहा होता है। आई होप सो कि आज के लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।